जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 में जो निकला था 616 पोस्ट पे, क्या है ना कि ये वैकेंसी जो है ना आसाम राइफल्स का पहले जो वैकेंसी था ना वो हर साल नहीं आता था, 4 साल 5 साल पर कभी एक बार वैकेंसी आया करता था। और पिछली बार जो वैकेंसी आया था ना उसमें जो है ना रेडियो ऑपरेटर का बहुत बढ़िया पोस्ट था, क्योंकि लगभग 66 के आसपास रेडियो ऑपरेटर का ही पोस्ट था। तो जो लोग आईएससी पीसीएम से पढ़े हैं यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़े थे वो लोग अप्लाई किए थे, लेकिन वो लोग अप्लाई किए तो इसमें एक जो होता है ना सबसे पहले फिजिकल होता है यानी कि रनिंग आपका लिया जाता है, 5 किलोमीटर का रनिंग होता है 24 मिनट में। उसके बाद की जो प्रक्रिया है ना वो होता है ट्रेड टेस्ट, उसी दिन ट्रेड टेस्ट दिया जाता है। अब ट्रेड टेस्ट क्या होता है तो कुछ फिजिक्स के केमिस्ट्री के कुछ थोड़े बहुत आसान इजी क्वेश्चन जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ताकि आपने पढ़ाई किया है कि नहीं इसके बारे में पता लगाया जाता है। क्योंकि ये रेडियो ऑपरेटर है तो रेडियो जो होता है ना रेडियो से नाम ही पता चल रहा है कि रेडियो का काम ये होता है कि एक जगह का संदेश दूसरे जगह पहुंचाना। तो इसी तरह अगर आप जो पढ़ाई किए हैं ना तो आपकी वो ट्रेड टेस्ट, ट्रेड का मतलब होता है कि जिस ट्रेड में आप फॉर्म भरे हैं उसका ट्रेड टेस्ट दिया जाता है। ये सभी होता है मतलब लोएस्ट पोस्ट से लेके हाई अपर पोस्ट तक जो आसाम राइफल्स का फॉर्म निकलता है उसमें किया जाता है। तो जो मतलब पिछली बार फॉर्म निकला था उसके बाद काफी बच्चों जो ट्रेड टेस्ट में छट गए वो अपना उम्मीद खो चुके थे कि अब जो है ना फिर आसाम राइफल्स का बहाली 4 साल 3 साल बाद आएगा, तब तक मेरा एज एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था और आसाम राइफल्स ने फिर अगली साल यानी कि 2022 की वैकेंसी के जस्ट बाद 2023 में फरवरी में भी वैकेंसी ला दिया 616 पोस्ट पर। और वैकेंसी लाने के बाद 1 मई से इसका फिजिकल स्टार्ट होने वाला था, लेकिन 1 मई से एसएससी जीडी का जो फिजिकल है ना वो एसएससी जीडी के अंदर जो भी फोर्स आते हैं जैसे कि आसाम राइफल्स, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआर जो भी फोर्स आते हैं वो सब मिलके फिजिकल कंडक्ट कराते हैं एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी का फिजिकल 1 मई से 15 मई के बीच चलने वाला था, तो इसी तरह इसी के बीच में फिजिकल इसका एक्सटेंड कर दिया गया और फिजिकल इसका फिजिकल जून में भेज दिया गया। तो अब बात आता है कि आसाम राइफल्स रेडियो ऑपरेटर का जो ट्रेड टेस्ट है ना इसके जो मैं पिछले बार भी दिया था इसका ट्रेड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट देने के बाद मैं ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हूं, तो जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था वो सब क्वेश्चन का मैं एक लिस्ट बनाया हूं, मतलब मेनली यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का अब पोस्ट भी बढ़ा दिया गया, 616 पोस्ट में 634 पोस्ट और ऐड कर दिया गया, टोटल पोस्ट जो है वो 1250 कर दिया गया है। अब जो है ना 2024 में आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का फॉर्म नहीं आएगा, सिलचर में इस बार इसका बहाली होने वाला है। और ऑपरेटर रेडियो एयरलाइन देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रेड टेस्ट 2023 का है, सूर्य के किरण में कौन सा गैस होता है। ये पिछली बार का जो भी लोग 1 सितंबर को बहाली दिए थे वो सुकोवी में उन सबको पता होगा कि यही क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन सूर्य के किरण में कौन सा गैस होता है। तो सूर्य के किरण में जो है ना हाइड्रोजन 70% होता है, हीलियम 28% होता है और कार्बन नाइट्रोजन 1.5% होता है और ऑक्सीजन 0.5% का होता है। और यहाँ देखिए कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में वो पूछा गया, जैसे कि कंप्यूटर के पार्ट्स के आप नाम बताइए, तो कंप्यूटर के पार्ट्स में जो भी है जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, इन सब का आपको नाम याद रखना है ताकि वहां पे आप बताएं। वायरलेस एंड रेडियो के बारे में तो अब देखिए वायरलेस क्या है, जैसे कोई इंफॉर्मेशन सपोज दैट कि आप जो है ना मैं अपना इंफॉर्मेशन जैसे मैं अपना वीडियो बना रहा हूं ये इंफॉर्मेशन मैं आपके तो मतलब आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में यूट्यूब ऐप के माध्यम से। तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि जो मतलब जिस चीज में वायर का यूज नहीं हो, वायर का मतलब होता है तार, इस चीज का यूज नहीं हो उसको वायरलेस बोलते हैं। और रेडियो होता है ना एक जगह का संकेत दूसरे जगह भेजता है, इसका काम होता है। इलेक्ट्रॉन और एम्पियर के बारे में ये भी क्वेश्चन आपको देखिए ये सब क्वेश्चन के बारे में आपको मेनली पढ़ के जाना है, क्योंकि मतलब जो ट्रेड टेस्ट होता है ना इसमें ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद तरंग के बारे में और एमसीबी के बारे में, तरंग का मतलब क्या होता है, तरंग का मतलब होता है लहर, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। एमसीबी के बारे में पढ़ लेना, लाइट क्या है, तो लाइट जो है ना एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर क्या है, जनरेटर जो होता है ना वो मेनली जो है ना मैकेनिकल एनर्जी को जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आप भी देखते हैं कि जनरेटर में एक मशीन लगा होता है जिसको चालू करने पे हम लोगों को बिजली प्राप्त होता है, तो इसमें आप सिंपल से अगर आप देखेंगे तो ये मैकेनिकल एनर्जी है जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे उसके बाद टूल्स नेम, जब से टूल्स क्या होता है, तो टूल्स जो है ना जो भी इलेक्ट्रॉनिक टूल होते हैं जैसे कि बहुत सारे आप अगर सर्किट देखिएगा मोबाइल का जो होता है, मोबाइल में जो होता है या कीबोर्ड में या बहुत जहां भी कोई छोटा छोटा इक्विपमेंट यूज किया जाता है ना उन सब एक दो इक्विपमेंट का आपको नाम याद रखना है। उसके बाद देखिए रडार क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो वस्तु को पता लगाने। आप भी देखते हैं कि अब जो है ना इंडियन डिफेंस में या कोई भी डिफेंस में जो है ना रडार दिया जाता है कि ताकि
कोई अगर मतलब मान लो ड्रोन उड़ा के हमला करना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो आप इस रडार के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो वस्तु का पता लगाने वाला प्रणाली है जिसको हम रडार कहते हैं। औजार पर जंग लग जाए तो किस लिक्विड से साफ किया जाता है, तो बेकिंग सोडा और चूना से जो है ना अगर औजार पर जंग लग जाता है तो हम मेनली इससे साफ कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है, देखिए स्कैनर आउटपुट है या इनपुट है, तो स्कैनर आप लोगों को भी पता होगा जो लोग अगर पढ़े होंगे, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है और ये इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करता है। वोल्ट मीटर जो है ना ये ओम का नियम विभव प्रतिरोध के बारे में बताएं, ये भी क्वेश्चन आप ओम का नियम है ना ये आईएससी हो गया या टेंथ हो गया, टेंथ में तो इसको बेसिक पढ़ाया गया है लेकिन इंटरमीडिएट ऑफ साइंस अगर आप पीसीएम से पढ़िए या पीसीबी से पढ़िए, यानी कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ते हैं ना तो आपको ओम्स का नियम जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जान लेना है। एसी और डीसी क्या होता है, देखिए तो एसी और डीसी जो है ना, एसी है अल्टरनेट करंट और डीसी है डायरेक्ट करंट। आपको पता है जो हमारे घर में बिजली चलती है जैसे कि पोल से लाइन हम लाते हैं वो अल्टरनेट करंट है, जो कि बिजली जो बनाया जाता है वो अल्टरनेट करंट होता है। और डीसी करंट जो होता है डायरेक्ट करंट, इसको हम बोलते हैं जैसे हम बैटरी से जो यूज करते हैं उसको डायरेक्ट करंट। अब देखिए फ्यूज के बारे में आपको पढ़ लेना है कि तरंग के बारे में पढ़ लेना है, एमसीबी के बारे में पढ़ लेना है। अब जैसे अगर घर में शॉर्ट सर्किट होता है ना, लाइन आने पे ज्यादा वोल्टेज आ जाने पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए व्हाट इज ए रेडियो, मतलब रेडियो क्या है, तो संदेश भेजने या प्राप्त करने वाला एक उपकरण है। एमसीबी कितने प्रकार के होते हैं, तो एमसीबी 3 प्रकार के होते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और इसी में जो है ना एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लेकिन एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ये देखिए एलसीडी जो है ना, एलसीडी का क्वेश्चन मेरे से छूट गया है। और कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रोपोर्शनल टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। देखिए इतना टॉप क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं इसका नाम भी लिख दिया हूं। और WAP क्या, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है इसका। रेडियो और स्कैनर में क्या अंतर होता है, ये भी आपको पढ़ लेना है। तो देखिए रेडियो जो है वो संदेश भेजने का काम करता है, और स्कैनर जो है ना वो बारकोड या क्यूआर कोड को स्कैन करके पता लगाता है। व्हाट इज ए करंट, करंट क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कैथोड और एनोड में अंतर बताइए। उसके बाद देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है, तो आकाश जो है ना प्रकाश के प्रकीर्णन से नीला दिखाई देता है। बैटरी में कौन सा एसिड डालते हैं, जैसे देखिए आप भी अगर देखते हैं अगर आपके घर में इन्वर्टर यूज होता है जो बिजली कट जाने के बाद आपको बिजली देती है डीसी करेंट को एसी करेंट में मतलब कन्वर्ट करके, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो एक पानी डाला जाता है, लेकिन बैटरी में जो होता है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान हम दो यूज करते हैं, एक होता है 22/7 या अगर सोल्यूशन मतलब आसान लाना हो तो 3.14 भी हम पाई का मान यूज करते हैं। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो EFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्सपेक्टेड फैमिली जो है ना कंट्रीब्यूशन, इसका फुल फॉर्म होता है। जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो जनरेटर फैराडे के सिद्धांत पे काम करता है। और एक भी क्वेश्चन और आपको याद रखना चाहिए, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है ना ये भी आपसे पूछा जा सकता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, तो विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक है वो चांदी है। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजरती है, तो ध्वनि निर्वात के माध्यम से नहीं गुजरती है। सबसे अधिक भेदने वाली किरण कौन सी है, तो इसको हम गामा बोलते हैं, जो सबसे अधिक भेदने वाली किरण है। एमएस एक्सेल कंप्यूटर का वर्किंग पार्ट क्या है कि नहीं है, तो ये आपको बताना है, वो आपसे पूछेगा कि है या नहीं है, तो आपको यस या नो में जवाब देना है। तो ये जो है ना ये है एमएस एक्सेल कंप्यूटर का वर्किंग पार्ट है। उसके बाद कंप्यूटर गर्म हो जाए तो क्या करें, देखिए कंप्यूटर गर्म हो जाए तो इसका जो है ना इसका जैसे आप बता सकते हैं कि अगर कंप्यूटर गर्म हो रहा है तो हम उसके मतलब संभाल के चलाएं, उसके ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करें, अगर 100% चार्ज हो गया है तो हम उसको निकाल लें ताकि ऐसा ना हो कि चार्ज होने के बाद भी हम उसको लगाए रहे हैं। ये सब चीजों पर आपको ध्यान देना है अगर कंप्यूटर के बारे में पूछेगा कि कंप्यूटर गर्म हो जाए तो हम क्या करें। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, तो कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। ये सब तो मतलब एकदम से बेसिक क्वेश्चन है, ये सब तो आपको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग रनिंग का तैयारी करते हैं वो मेनली उनके पढ़ाई पे उनका ध्यान हट जाता है। जनरेटर का मुख्य पार्ट क्या है, तो जनरेटर का जो मुख्य पार्ट होता है वो डायनेमो होता है या आर्मेचर होता है। व्हाट इज ए अर्थिंग, अर्थिंग जो है ना वो हमको मतलब अर्थ यानी कि अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी से बिजली देता है उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। व्हाट इज ए ट्रांसिस्टर यानी कि ट्रांसिस्टर क्या है, तो देखिए ट्रांसिस्टर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइएगा ना तो ट्रांसिस्टर को हम सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलते हैं।
उसके बाद देखिए 1 MA के बराबर क्या होता है, तो 1 MA हाउ मच बराबर 1000 होता है। मतलब देखिए UTP केवल रंग कोड क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, तो CPU जो होता है ना, जिस तरह हमारे शरीर का अगर ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस तरह कंप्यूटर को CPU का सबसे मेन हिस्सा बोला जाता है, जिसको हम ब्रेन यानी कि मस्तिष्क बोल सकते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ये भी आपको पता होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे। तो ऐसे डिवाइस को क्या कहा जाता है जो AC को DC में परिवर्तित करता है, तो इसको हम दिष्टकारी रेक्टिफायर बोलते हैं। उसके बाद देखिए विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब। तो देखिए यही सब 45 क्वेश्चन हम अपने से इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हम 2 बार ट्रेड टेस्ट दे चुके हैं आसाम राइफल्स का, जो मेरे नजर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा, उन सब क्वेश्चनों को हम इसमें ऐड करके आपको बताएं। और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी है जो इसमें नहीं है, तो आप लोगों को हम मेनली क्वेश्चन दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि ये सब क्वेश्चन आपको रीड करना है। ये सब क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे ना, तो वहां पे हो सकता है कि आपसे ट्रेड टेस्ट में ये सब क्वेश्चन पूछा जाए। और कई बार होता भी है, जैसे कि ये जो शुरू का 10 क्वेश्चन है ना, ये 10 क्वेश्चन मेरे से पिछली बार पूछा गया था, जो 1 सितंबर 2022 को आसाम राइफल्स रेडियो ऑपरेटर का बहाली में गए थे, सुकोवी में दौड़ हुआ था, उनको पता होगा जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, यही सब क्वेश्चन उनसे पिछली बार पूछा गया था। तो देखिए आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आसाम राइफल्स रेडियो ऑपरेटर के जो 45 क्वेश्चन है, ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। ये जो वीडियो मेरे साथ जो हेल्प किए हैं, मेरे बहुत बढ़िया फ्रेंड है गुलशन, जिन्हें का ये राइटिंग है, वहीं अपने ये राइटिंग में लिखे हैं, तो उनको उनके बारे में बताइएगा कि उनका राइटिंग कैसा है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।